नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। किसानों की दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद जारी है, जबकि पुलिस की कोशिश उन्हें बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देने की है। किसान संगठनों ने कृषि कानून वापस लिए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प एक बार फिर दोहराया है। सर्दी के मौसम में पानी की ठंडी बौछारें झेलने के बावजूद किसानों का हौसला अभी कमज़ोर नहीं पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबे जाम को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज को अब कहना पड़ा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि युद्ध में तकलीफें सहनी पड़ती है। हमने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, सभी जीती हैं। पानी सिर से गुजर गया तो हमारे सामने एक बार फिर लड़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं रहा, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमें इस बात को समझना होगा कि लड़ाई में कभी नुकसान नहीं देखा जाता, सिर्फ निशाना देखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पुलिस से उलझे बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखना है। आज तक जितनी लड़ाइयां लड़ी, कोई लड़ाई नहीं हारे, लेकिन पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी पहले हमला नहीं किया। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो सामने वाला है, पहले उसको लाजवाब करना है। कल हमने दो जगह पे टाइम दिया, प्रशासन ने टाइम मांगा, हमने आधे आधे घंटे का टाइम दे दिया, तो शायद हमारे कई लोग राजी नहीं थे कि टाइम नहीं देना चाहिए और पुलिस मंगाने के मंगाए। लेकिन उससे आपकी ताकत बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात, जो लड़ाई लड़ी जाती है वो लड़ाई देखने के लिए नहीं लड़ी जाती कि हम देख लें, वो लड़ाई इस तरीके से लड़े, लड़ाई बहुत बुरी होती है, लड़ना नहीं चाहिए, नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन जब सिर से पानी गुजर जाए, कोई चारा ना बचे, तो फिर लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। फिर अगर जिंदे रहना है फिर लड़ना ही पड़ेगा, और अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर वो उसमें ना नफा देखा जाता है ना नुकसान देखा जाता है, उसमें केवल हमारा निशाना वो होना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही नजर आ रही थी कि हमने ये करना है तो करना ही है। हमारा कोई आदमी पुलिस से ज्यादती नहीं करेगा, कोई आदमी पुलिस से ज्यादती नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई बट्टा मारा, मेरे को पता लगा है कुछ लोग बट्टे लेके आए हैं, कुछ जोश में कर देते हैं, लेकिन जिस भाई ने बट्टा मार दिया, हमारा आदमी नहीं पकड़ के, हम पुलिस के हवाले कर देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली की सरकार ने कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या किसान आतंकवादी है, क्या किसान अपराधी है। किसान दिल्ली कूच कर काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अश्रु गैस छोड़ी जा रही है, पत्थर लगाकर सड़कों के जरिए आवाजाही रोकी जा रही है। क्या किसानों से दिल्ली दरबार को डर लगता है? क्या किसानों को अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आने का हक नहीं है? हुक्मरान समझ ले कि किसान तख्त बदलना भी जानते हैं। क्या किसान आतंकवादी हैं? क्या किसान अपराधी हैं? क्या किसानों से अब दिल्ली दरबार को खतरा है? क्योंकि आज संविधान दिवस को किसान गांधीवादी तरीके से दिल्ली कूच कर तीन काले कानूनों को वापस रखने की मांग रखने वाले थे, और आज सुबह से क्या तांडव चल रहा है। सुबह से कहीं कंटीले तार लगाकर, कहीं कड़कड़ाती सर्दी के अंदर वाटर कैनन चलाकर, कहीं अश्रु गैस चलाकर, कहीं पत्थर रखकर, कहीं ईंट और रोड़ों से सड़कों को रोककर, कहीं कहीं गाड़ियां लगाकर और पूरे रास्तों को जाम करके किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, क्या किसान से दिल्ली दरबार को डर लगता है? क्या देश का पेट पालने वाला किसान आतंकवादी और अपराधी है? क्या किसान को संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए दिल्ली आने की इजाजत नहीं है? क्या दिल्ली की सरकार अब अंग्रेजी बरतानवी सरकार से भी ज्यादा जुल्म वाली सरकार बन गई है? याद करिए मोदी जी,
याद करिए मोदी जी, जब जब किसान को दिल्ली के तख्त ने ललकारा है तो उस तख्त को किसान और किसान के बेटों ने बदल दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से सड़कों पर चलने वालों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। आंदोलनकारी किसानों के प्रति प्रशासन लगातार संयम बरत रहा है। अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है। किसान बातचीत के लिए राजी भी हैं, लेकिन उनके बीच में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इतना तो साफ है कि सरकार सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से किसानों की समस्याओं के समाधान के पक्ष में है। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार से लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ संयम से बात कर रहे हैं, हमने बहुत संयम बरत रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ, और कुछ लोग राजी भी हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का समाधान हो। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, बिल्कुल अभी तो हम सख्ती नहीं करना चाहते हैं, प्यार से समाधान करना चाहते हैं। सवाल यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का बार बार भरोसा दिलाए जाने के बावजूद किसान केंद्र की बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर MSP पर फसलों की खरीद बंद हुई तो वे राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। बावजूद इसके किसान न केवल अपने दिल्ली कूच के फैसले पर डटे रहे हैं बल्कि हरियाणा सरकार की बातचीत की पेशकश को भी स्वीकार नहीं किया है। अब केंद्र के साथ किसानों की 3 दिसंबर को बातचीत होनी है। देखना है इस बातचीत के भी कोई नतीजे निकलते हैं या नहीं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।